बालाघाट से बिहार तक धर्मनगरी डोंगरगढ़ की चंद्रगिरी पहुंचने पर डोंगरगढ़ जैन समाज के धर्माविलंबियों ने तपोमती माता जी का भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि बालाघाट से चतुर्मास पूरा कर आरिका माँ 105 तपोमती माता के साथ 10 माताओं ने विहार किया। इसके बाद उन्होंने गोंदिया आम गांव साले कसा बोर तालाब के रास्ते धर्मनगरी डोंगरगढ़ में प्रवेश किया। यहां चंद्रगिरी ट्रस्ट समिति के अध्यक्ष किशोर जैन के नेतृत्व में डोंगरगढ़ जैन समाज के धर्मावलंबियों ने सभी माता जी की अगुवानी की और बाजे गाजे के साथ थाना चौक महावीर पारा ऊपर मंदिर के रास्ते चंद्रगिरी प्रवेश द्वारा पहुंची। यहां पर चंद्रगिरी प्रतिभा स्थली के छात्राओं, ट्रस्ट समिति के पदाधिकारियों व जैन समाज के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद माता जी चंद्रगिरी तीर्थ स्थल पहुंची, जहां पर सभी की उनके चरण वंदना की। स्वागत पश्चात तपोमती माता जी ने उपस्थित सभी धर्मोविलंबियों को अपने मुखारविंद से अनुग्रहित किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में प्रतिभा स्थली की छात्राएं, ट्रस्ट के पदाधिकारी एवं जैन समाज के लोग उपस्थित थे। चंद्रगिरी ट्रस्ट समिति के अध्यक्ष किशोर जैन ने बताया कि तपोमती माता जी ने बालाघाट से चतुर्मास पूरा कर चंद्रगिरी डोंगरगढ़ के लिए विहार किया और आज डोंगरगढ़ चंद्रगिरी में उनका पदार्पण हुआ है। जनवरी 2020 नए वर्ष को तपोमती माता जी एवं उनके साथ आई सभी माता जी द्वारा चंद्रगिरी की पूजा एवं शांति विधान किया जाएगा। सभी धर्म प्रेमियों से अधिकाधिक संख्या में उपस्थित होकर पुण्य लाभ लेने की अपील की गई। डोंगरगढ़ से प्रणय अग्रवाल के साथ देवेंद्र गौड़े की संयुक्त रिपोर्ट। मां तपोमती माता जी आज डोंगरगढ़ चंद्रगिरी तीर्थ पर पदार्पण हुआ। माता जी का चतुर्मास बालाघाट में हुआ था, उसके बाद बालाघाट से चंद्रगिरी के लिए आचार्य भगवान का संकेत मिला। माता जी आज यहाँ पधारी। माता जी के सत्संग में 10 माता जी आत्मा है और प्रतिवे स्थल ज्ञान उदय विद्यापीठ में 29 तारीख को जो वार्षिक महोत्सव रखा गया है, उसमें माता जी का सानिध्य प्राप्त हो, उन लोगों की ऐसी भावना थी और माता जी का पदार्पण हुआ। 1 तारीख को नए वर्ष में माता जी के सानिध्य में चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र में पूजन एवं शांति विधान होगा और माता जी का सानिध्य हमें प्राप्त होगा। और मैं चाहूँगा कि सभी धर्मप्रेमी बंधु इसका लाभ लें, नए वर्ष में धार्मिक क्रियाओं में सम्मिलित हों, यही भावना है। और सभी माता जी के दर्शन करें, यदि भावनाओं के साथ सबको सादर जय जी ने। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।